अगर हम एक दूसरे से लड़ते रह गए तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा। केंद्र सरकार का काम ये नहीं है कि दोनों राज्यों को एक दूसरे से लड़ाए। पंजाब में जाते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL बनने नहीं देंगे, हरियाणा में आते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL लेके रहेंगे। इसी गंदी राजनीति ने पिछले 70 साल में भारत को इंडिया को नंबर 1 नहीं बनने। अगर उनके पास समाधान नहीं है मेरे को बुला लें, मैं उनको समाधान बता दूंगा। अभी हमारे मीडिया के एक साथी ने SYL के बारे में पूछा कि SYL पे हमारा क्या स्टैंड है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि SYL पे पंजाब कांग्रेस का क्या स्टैंड है और हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है। SYL पे पंजाब बीजेपी का क्या स्टैंड है और हरियाणा बीजेपी का क्या स्टैंड है। पंजाब में जाते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL बनने नहीं देंगे, हरियाणा में आते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL लेके रहेंगे। इसी गंदी राजनीति ने पिछले 70 साल में भारत को इंडिया को नंबर 1 नहीं बनने दिया। केवल और केवल गंदी राजनीति करते हैं। SYL बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पानी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दोनों राज्यों में पानी की कमी है, हमें यह बात माननी पड़ेगी। पंजाब में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, पानी की कमी है, लोग प्यासे हैं। हरियाणा में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, हरियाणा के अंदर पानी की कमी है, हरियाणा में लोग प्यासे हैं। पंजाब को भी पानी चाहिए, हरियाणा को भी पानी चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंटरवीन करके हरियाणा के लिए भी पानी का इंतजाम करे और पंजाब के लिए भी पानी का इंतजाम करे। केंद्र सरकार का काम क्या है? केंद्र सरकार का काम यह नहीं है कि दोनों राज्यों को एक दूसरे से लड़ाए। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रह गए तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा। जैसा मैंने कहा कि हम मिशन पे निकले हैं, 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है, हमें आपस में लड़ना नहीं है। और यह संभव है, हरियाणा को भी पानी मिल सकता है, पंजाब को भी पानी मिल सकता है। केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि पंजाब के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें, हरियाणा के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें। और अगर उनके पास समाधान नहीं है मेरे को बुला लें, मैं उनको समाधान बता दूंगा। लेकिन बैठ के इसका समाधान करना पड़ेगा। ये स्टैंड लेने से पंजाब में जाओ तो एक स्टैंड ले लो, हरियाणा में जाओ दूसरा स्टैंड ले लो, ये स्टैंड की राजनीति ने पूरा गड़बड़ कर दिया। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रह गए तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा। केंद्र सरकार का काम ये नहीं है कि दोनों राज्यों को एक दूसरे से लड़ाए। पंजाब में जाते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL बनने नहीं देंगे, हरियाणा में आते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL लेके रहेंगे। इसी गंदी राजनीति ने पिछले 70 साल में भारत को इंडिया को नंबर 1 नहीं बनने। अगर उनके पास समाधान नहीं है मेरे को बुला लें, मैं उनको समाधान बता दूंगा।